नमस्कार मित्रों, मैं कनु सगर, मेरे चैनल का नाम है कनु सगर। मैं आपसे आज अपने डोर पर, मतलब फ्रिज का हो या वॉशिंग मशीन हो या होम डोर हो, उसके ऊपर हम अच्छे स्टिकर लगाते हैं, लेकिन वक्त जाने के बाद उस स्टिकर में से कलर निकलता जाता है और जो स्टिकर है वो अपने आप को गंदे लगने लगता है। उसे हम वैसे प्रयत्न करते हैं निकालने का तो वो निकल तो जाता है, लेकिन उसे नुकसान भी होता है। आज मैं आपको एक नई स्टिक दिखाने वाला हूँ कि कैसे रिमूव कर सकते हैं इजीली, और वो भी शायद मैं कह सकता हूँ कि जीरो कॉस्ट में। तो आज हम उसको देखेंगे और मैं अपने ही घर में, मेरे एक फ्रिज है उसके ऊपर पुराना स्टिकर लगा हुआ है और उसको मैं दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। तो मैं आपको डेमो दिखाऊंगा मेरे ही घर पे, मेरे ही फ्रिज पर जो स्टिकर लगे हुए हैं उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्टिकर लगे हुए हैं पुराने हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कपड़े के दो टुकड़े लेने हैं और उनको दो अलग अलग भाग में बांट लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रिज के ऊपर जो पुराने स्टिकर लगे हुए, उसे रिमूव करने का मैं आपके सामने ही प्रयत्न करूँगा। यहाँ पर दो टुकड़े लिए हुए हैं और गैस को चालू करना है आपको, और गैस के ऊपर आराम से स्लो में रखकर ये टुकड़े को गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि आप अपनी चमड़ी से सह पाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी गर्म टुकड़ा होता है उसको स्टिकर पर दबाया जाता है और करीबन 15 सेकंड तक आपको रखना है। और यहाँ देख सकते हो कि पहले एक रिमूव किया हुआ है और कैसे रिमूव हो गया है, ये आपके सामने डेमो हो रहा है। देखिए एकदम कोई भी एडिटिंग किया हुआ नहीं है। अभी आप देख सकते हो कि कैसे इजीली रिमूव हो रहा है। देखिए बहुत बहुत सरल रीत से रिमूव हो जाएगा, कुछ भी नुकसान भी नहीं होगा और इजीली रिमूव हो जाएगा। इसी तरह आपको जितने भी स्टिकर है उसके ऊपर बस ऐसे देखो ये, हाँ तो उसमें इसके ऊपर आप दबाते जाइए करीबन 15 सेकंड तक। अगर आपके पास बड़ा है तो आपको थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा, वो करीब 15 सेकंड के बदले 20 सेकंड रखना पड़ेगा। तो यहाँ इसी तरह आप जिस तरह दिखाया जाता है उसी तरह आप ऐसे एक टुकड़े को लीजिए, फिर दूसरा टुकड़ा गर्म कीजिए, ऐसे गर्म हो जाए फिर आप दूसरा बदल दीजिए, उस स्टिकर पर रखिए, और ऐसे आप अपने घर पर कहीं पर भी पुराना हुआ जो है वो ऐसे इसी तरह कोई भी स्टिकर रिमूव कर सकते हो। ये जो एक बड़ा एक स्टिकर है, मैं खोलने का प्रयत्न करता हूँ तो वो खुल नहीं पा रहा है, बड़ा अच्छा चिपका हुआ गम है। अगर मैं प्रयत्न करूँगा तो फ्रिज के ऊपर नाखून के निशान पड़ जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर एक स्टिक है। बस मैंने बताया गर्म कीजिए कपड़ा, इसी तरह लगाते जाइए, बड़ा है तो उसके ऊपर बड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। यहाँ पर देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से ये आपके सामने रिमूव हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये बड़ा है इसलिए, और हम देख पा रहे हैं किसी तरह के जाए। बस इसी तरह आप अपने कहीं पर भी कोई भी जगह पर आप रिमूव कर सकते हो, इजीली है, उसमें कुछ नुकसान भी नहीं होगा। मैंने अपने आपके फ्रिज ऊपर भी किया हुआ है, तो इसी तरह बारीक बारीक टुकड़े को गर्म करते जाइए, इसी तरह घुमाते रहिए, जहाँ पर ऐसा लगता है कि गर्म नहीं हुआ है उसे गर्म कीजिए, फिर आराम से हम इसे निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयत्न है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह निकाला जा रहा है, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, पहले से तो आपको आराम से निकालना पड़ेगा, ऐसे ऐसे निकालते जाइए, कुछ ही देरी के बाद आपको अपना ही पुराना स्टिकर आप निकाल सकते हो और कोई नुकसान भी नहीं होगा। ऐसे धीरे धीरे धीरे, और अच्छा ऐसे ही करना है, कोई नाखून का उपयोग नहीं करना है, ना कोई और कोई सी चप्पू या धारदार चीज़ का भी उपयोग नहीं करना है। ऐसे होता जाएगा, निकलते जाएगा, इतना गम है कि हम उसे वैसे निकाल भी नहीं सकते हैं।
देख सकते हो, वो इतना गर्म करने के बाद भी वो आराम से बहुत अच्छा ये जो है वो, आप इतना बड़ा है देखिए कि हम ऐसे उसे फिर भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं, कोई भी भाग नहीं बचेगा, है ना। तो बस यही करना है, टुकड़े दो टुकड़े गर्म कीजिए और ऐसे आप फिर इजीली निकाल लीजिए। अब आप देख सकते हैं इस फ्रिज की डोर को पहले के बदले कितना अच्छा हो गया है, पूरा स्टिकर जितना दिखाई दे रहा था वो इसी तरह मैंने टुकड़े को गर्म करने के बाद रिमूव किया हुआ है, तो आप इसी तरह ये रिमूव कर सकते हो अगर आप